मैं सिर्फ एक मिनट से ज्यादा समय लूंगा नहीं। जैसे जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी काफी व्यस्त रहते हैं। जो इन्होंने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है, उस वजह से मैं पूरी टीम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और जैसे कि हमारी इच्छा थी जब से हमने ये फिल्म बनाई और पहले दिन से हम जब प्रचार से निकले हैं तब से कह रहे हैं कि देश के सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। इसको बनाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि 22 वर्ष पहले ये दुर्घटना बीती थी गोधरा में। एक पूरी जनरेशन है जिनको इस विषय के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अब जैसे फिल्म टैक्स फ्री हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, तो मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता जो है वो आए, भारी मात्रा में आए और फिल्म देखें और लोगों को बताएं कि इस फिल्म को के बारे में वो क्या उनको क्या लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं। इस पूरे मामले में पड़ताल कम हुई और राजनीति ज्यादा हुई। जो सही बात थी वो सामने नहीं आई और इस पर कई प्रकार के अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या करी। लेकिन अब हमारे एकता कपूर जी ने और विक्रांत मैसी जी ने, इन सब पूरी टीम ने उस सच्चाई को देश के सामने लाया है कि वास्तव में घटना क्या थी। और अर्बन नक्सल जो मीडिया है, उस मीडिया ने किस प्रकार से एक जो घटना थी उसको झूठ के रूप में प्रचारित किया गया, उसको अन्य मोड़ दिया गया। मैं बधाई देना चाहता हूं एकता कपूर जी की, हमारे विक्रांत मैसी जी को, जिन्होंने बहुत शानदार काम करके पूरे देश के सामने सच्चाई लाने का काम किया है। निश्चित रूप से ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए, ये रिपोर्ट सबको देखनी चाहिए, जिससे कि पूरे देश के सामने सच आए। और मैं आज इसको देखने के बाद साबरमती रिपोर्ट को, जिस प्रकार से 59 राम भक्तों को जिंदा वहां जलाया गया, ये फिल्म पूरे देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर विशेषकर हर किसी को देखनी चाहिए। इसके लिए हम इसको टैक्स फ्री भी करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम में जो युवा राजनीति में नहीं है उनको भी आने की बात कही, बड़ी अच्छी लगी। देखिए, जब नए युवा आएंगे, सामान्य परिवारों से आएंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे, नव निर्माण में अपने योगदान के सहयोगी बनेंगे। मैं उन सभी युवाओं का आह्वान करता हूं कि वो आएं, और चूंकि राजनीति में नए युवा आएंगे, अच्छे युवा आएंगे, पढ़े लिखे युवा आएंगे, हर प्रकार से जो स्किल्ड होंगे वो आएंगे, तो राजनीति को सही दिशा में ले जाने का काम। आज दिल्ली भी जा रहे हैं सर, और आज चूंकि प्रगति मैदान में जो सभी राज्यों का एक ट्रेड फेयर लगता है, आज हमारा उत्तराखंड का दिन है। आज इस ट्रेड फेयर में हम भाग लेंगे, जहां उत्तराखंड के अनेक स्टॉल, अनेक हमारे उत्पाद जो यहां पर लगते हैं, अनेक स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए हुए जो उत्पाद है वहां पर दिखाए जाएंगे। तो मैं उसको प्रतिभाग करूंगा, जिससे कि उन सभी का प्रोत्साहन भी हो और हमारे राज्य का जो हमारी मातृशक्ति है, महिलाएं, हमारी बहनें, उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद पूरी देश दुनिया के अंदर जाए। धन्यवाद।